एवरीवन पिले कल आम पढ़ते कौन ना बॉइलिंग पॉइंट उपर पढ़ते है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कशन करते आज आम डिस्कशन करवा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जोटा आमर है देख तो आज टॉपिक हूँ कौन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ओके तो फर्स्ट बुझे फ्रीजिंग पॉइंट कौन जमी आम बॉइलिंग पॉइंट थिला कौन ना व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ताको आम कौन कहते बॉइलिंग पॉइंट बोली कहते सिमिलरली एठी कौन आसीबो फ्रीजिंग पॉइंट रो स्टेटमेंट फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कौन द टेम्परेचर एट ह्विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट है सर सॉलिड रो भी किसी वेपर प्रेशर था कि ना हाँ था जिते वाटरटा आइस फॉर्म रे प्रेजेंट था सेतेबेले भी तार किसी ना कि गोटे वेपर प्रेशर प्रेजेंट था तुम्हें गोटे कंटेनर रे ताको क्लोज करी कि आइस नब तो आइस रो सरफेस रे जो पार्टिकल प्रेजेंट अच्छा ताके भी वेपर फॉर्मेशन करिवे हला तो सॉलिड स्टेट रे भी गोटे वोलेटाइल सब्सटेंस रो किसी ना कि वेपर प्रेशर था तेणु द वेपर प्रेशर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दैट टेम्परेचर इज नोन एज दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट माने बुझ देख सपोज धरी नि वाटर मु वाटर कथा तुमको एग्जांपल लेकिन मुझे एक्सप्लेन करटर है वाटर रमें लिक्विड फॉर्म देखी वाटर आइस फॉर्म देखी सपोज ये वाटर रोटे आइस पीस अच्छे है नॉर्मल वाटर अच्छे एटे रूम टेम्परेचर हेल्ले वाटर आइस के को फॉर्म रे रहइबो एटे 0 डिग्री सेल्सियस रे से आइस फॉर्मेट रे रहइबो हला तो एठी से किछ वेपर फॉर्मेशन कला आ तार किछ गो वेपर प्रेशर अछि सपोज एठी तार जो वेपर प्रेशर अछि सेला 0.1 एटीएम माने नियो तार वेपर प्रेशर लागे त 0.1 एटीएम सिमिलरली वाटर प्रेजेंट अछि नॉर्मल रूम टेम्परेचर रे तार भी किछ ना किछ वेपर प्रेशर अछि वेपर फॉर्मेशन करूछि तार भी किसी ना किसी कौन अच्छे वेपर प्रेशर अच्छे सपोज धरी नि जो एटी जो वेपर प्रेशर अच्छे ये है 0.4 ATM 0.4 ATM मु कौन कहे जिते बड़े 0.4 ATM टा क्या सहित इक्वाल हो 0.1 सहित इक्वाल हो टेम्परेचर टा को आम कौन कह फ्रीजिंग पॉइंट बोली कह मुझे कौन ना वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर माने टेम्परेचर बढ़िले वेपर प्रेशर कौन हम इनक्रीज हम टेम्परेचर डिक्रीज हेले वेपर प्रेशर कौन हम डिक्रीज हम है तो सपोज मु टेम्परेचर डिक्रीज कली इनिशियली टेम्परेचर थी 25 degrees Celsius प्रेशर थी के 0.4 मु डिक्रीज करदेली 20 degrees Celsius कली तो ये भी डिक्रीज हो सपोज 3 ATM हो गला 0.3 ATM हो गला हला मु आउरी पुणी टेम्परेचर डिक्रीज कली 15 degrees Celsius पुणी ये डिक्रीज हम कैसे 0.2 ATM हो गला सपोज पुणी डिक्रीज कली 10 degrees Celsius तो कैसे हो गला सपोज 0.15 ATM हो गला हला फर्दर डिक्रीज कली 5 degrees Celsius ये गला कैसे 0.12 हो गला फर्दर डिक्रीज कली 0 degrees Celsius रे मु देख ली कौन ये कैसे हो गला 0.1 ATM हो गला तो 0 degrees Celsius होची वाटर रो कौन फ्रीजिंग पॉइंट बुझी पार तो फ्रीजिंग पॉइंट स्टेटमेंट कौन आसला द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू becomes
इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है जिते बड़े कौन हो लिक्विड रो वेपर प्रेशर टा सॉलिड रो वेपर प्रेशर सहित इक्वल हो जाऊँगी से टेम्परेचर टाक आम कौन कौन फ्रीजिंग पॉइंट बोली कौन एटा एग्जांपल नहीं तुम मानक मुझे बुझेली कमें टेम्परेचर डिक्रीज कले वेपर प्रेशर डिक्रीज हो लिक्विड से अनुसार आमर आसला कौन फ्रीजिंग पॉइंट रो स्टेटमेंट। अच्छा जमी आमर थी कौन ना बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा देख गोटे जिनस सपोज दीटा लिक्विड दीटा अलग अलग लिक्विड अच्छे धरी नि एथिरे ओनली अच्छी वाटर प्योर वाटर बुझे चेस्ट कर समस्ते एथिरे ओनली अच्छी कौन प्योर वाटर, प्योर वाटर हला एथिरे कौन अच्छे एटा गोटे सल्यूशन हला वाटर वाटर आउ सुगर रहा हूँ गोटे सल्यूसन है सुगर हूँ नॉन वोलाटाइल वाटर है कौन वोलाटाइल एटी पार्टिकल प्रेजेंट अच्छे सरफेस रे एम भितर कि नॉन नॉन वोलाटाइल आउ कि कौन वोलाटाइल है जोड़ा मुझे डार्क करदी से नॉन वोलाटाइल जोड़ा को डार्क है सोड़ा है सब वोलाटाइल एटी कौन वाटर अच्छे ऑल पार्टिकल प्रेजेंट इन सरफेस आर ओनली वाटर पार्टिकल एंड ऑल आर वोलाटाइल दैट मीन्स एटी वेपर फॉर्मेशन रो चांसेस कौन अच्छे मोर नंबर ऑफ वेपर एटी फॉर्मेशन हम एट द सेम टाइम हियर लेस नंबर ऑफ वेपर आर फॉर्म एटा मुझे इनिशियल रु ही एक्सप्लेन करी आसुचे तमाने गोटे सल्यूशन जो थे कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट अच्छे तार वेपर प्रेशर सब कम रो काठ तार प्योर सॉल्वेंट एटा को आम एम लिखुले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट हला पॉइंट आम आगुर भी बुझीले एबे भी बुझीले हला धरी निया जाओ आर वेपर प्रेशर अछि केते 0.4 एटीएम जोडा आम आगुर नहींथिले आर वेपर प्रेशर टा आटू कोन रहयो कम रहइबो ना नै सपोज ई अछि 0.3 एटीएम केते अछि 0.3 एटीएम ओके हेले मु कोन कहू छी फ्रीजिंग पॉइंट आम का कहया जतले कोन आइस रो वेपर प्रेशर सहित इक्वल हे जियो आइस रो वेपर प्रेशर केते अछि बोली नै थिले आमे 0.1 एटीएम अछि बोली नै थिले नै नै। अच्छा मते को मु टेम्परेचर कमेबा स्टार्ट कली बोथ केस रे टेम्परेचर कमेया स्टार्ट कली टेम्परेचर कमिले वेपर प्रेशर कोन हो कमियो हेले किए जल्दी 0.1 एटीएम रे पहुंचियो सल्यूशन कहीं ना ऑलरेडी कम अच्छे ना नहीं आर अधिक अच्छे तो ये लेट रे पहुँचो सपोज मु कौच सपोज यहाँ हूँ के 25 डिग्री सेलसीयस अच्छी ये भी 25 डिग्री सेलसीयस अच्छे मुझे 20 कली या भी 20 कली है तो वेपर प्रेशर किसी गोटे कमला सपोज आर है 0.3 तार है 0.2 तो एमती करी करी गले 0 डिग्री सेलसीयस रे ये 0.1 रे पहुँचले आसिक ये पूर्वर पहुँच जाइ माने सपोज 0.02 रे पहुँच जाइ थी पारे ना नहीं 0.02 एटीएम ये 0 डिग्री रे पहुँचले आसिक ये 0.02 डिग्री रे पहुँच जाइ पारे डिग्री सेलसीयस रे तमाने कौन है जदि जनकर कौन वेपर प्रेशर कम अच्छे ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम अच्छे तमाने तार फ्रीजिंग पॉइंट भी कौन आसुचे लेस आसुचे हला तो आगुरु थिले कौन ना बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर बट फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर हला माने वेपर प्रेशर सॉरी आगुरु थिले कौन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर जार वेपर प्रेशर कौन रोला मोर रोला हला फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर माने जार वेपर प्रेशर कौन अच्छे ऑलरेडी मोर अच्छे तार फ्रीजिंग पॉइंट टा मोर आसो कम
ना सी लेट्रे फ्रिज हे है जार वेपर प्रेसर कम अच्छे से जल्दी फ्रिज हो माने कम टेम्परेचर रे फ्रिज हो आपको मोर टेम्परेचर दरकार फ्रिज हाँपी माने हाई ना लो रे कहला माने जदि कंपेयर करी ये माइनस फाइव डिग्री रे फ्रिज है आसिक ये माइनस टू डिग्री रे मे भी फ्रिज हो जापे बुझिप सो कन्फ्यूजन हुए फ्रिज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेसर फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेसर है एगुड़ा को तुम नोट्रे लिखा दरकार नहीं एटा जस्ट मु एग्जांपल नहीं तुमको एक्सप्लेन कर देख फ्रीजिंग पॉइंट को को फैक्टर ऊपर डिपेंड कर फैक्टर इफेक्टिंग फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन फ्रीजिंग पॉइंट कौन कौन फैक्टर फर्स्ट फैक्टर वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर देखो जितेबले लिक्विडटा सॉलिड स्टेट हो जाउछ तांका भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होउछ ना डिक्रीज होउछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होउछ जदि ऑलरेडी दुटा लिक्विड भीतर जदि मु कंपेयर करी सपोज मु नेली वाटर आउ ऑयल वाटर आउ ऑयल भीतर जदि हम कंपेयर करिया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर कौटी अच्छे ओके पे देख हाँ तो वाटर आउ ऑयल भीतर जो कंपेयर करिया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर का पाखे अच्छे ऑयल ऑयल पार्टिकल भीतर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर अच्छे इन कंपेयर टू वाटर है जदि या भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी मोर अच्छे तो सॉलिड स्टेट रे शीघ्र किए पहुँच पार ये पहुँच पार कमे ना सॉलिड हेबापी हेल्ले कौन दरकार भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनक्रीज होला तो ये जदि ये ऑलरेडी मोर अच्छे तो ये जल्दी कौन हो फ्रीज होला तो आम जब कंपेयर करिया ऑयल आ वाटर तो मोर माने फास्टली किए फ्रीज ऑयल होला तो ये कनसेप्टा तुम भूल होमती के थिंकिंग करियोनि मेन कनसेप्ट हूँ आम वेपर प्रेसर है वेपर प्रेसर पर आम थिंकिंग करिया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फास्ट वेपर प्रेसर देखियो तापर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखियो देखो आउ गोटे जिनस कही कौन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोड़ी अधिक थी तार वेपर प्रेसर कौन आसो कम आसो ना है वेपर प्रेसर कम आसा मैंने फ्रीजिंग पॉइंट कम रो ना नहीं एमती भाव तुम सब है तो कन्फ्यूजन हेनी ए गोटे पॉइंट ही मन रख सब कौन ना फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेसर बस एति जिनस नोट कर हेला नेक्स्ट टाइम हमें मूव करिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हेला जोड़ा आमर मेन टॉपिक आज फर्स्ट जानदेले फ्रीजिंग पॉइंट कौन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड कर वेपर प्रेशर उपरे फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर हेला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माने कौन डिप्रेशन माने कौन डिक्रीज हेला जो लास्ट पीरियड रे हम जोड़ा पढ़ीले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन माने कौन थिला इनक्रीज हेला सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट टा सॉल्वेंट कंपैरिजन रे मोर आसुला तेणु हम कौन कहते एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एटी कौन हम सॉल्यूशन रो फ्रीजिंग पॉइंटा सॉल्वेंट कंपैरिजन रे लेस आसो तो यह कौन कहुचे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केस आसटा को ही कौन कहुचे डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट ओके तो फ्रीजिंग पॉइंट स्टेटमेंट लिभ अच्छा तो आम आगु कौन जानते से अनुसार लिखिया है किसी नुआ ना लास्ट जमी फर्माट लिखाई है यहाँ भी सेमती ही फर्माट्रे लिखिया कौन ना वी नो द फ्रीजिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल
solution containing non-volatile solute is always less than its pure solvent comparison re solution ra vapor pressure ta sabule less asio, that is P naught is more than PS, hala, and freezing point is directly proportional to vapor pressure. Freezing point is directly proportional to vapor pressure. हला तो कौन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एज सॉल्यूशन हैव लेस वेपर प्रेशर इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट देयरफॉर सॉल्यूशन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हला जेतु कौन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन रो कम अछि आ वेपर प्रेशर सहित कौन directly proportional freezing point तो vapor pressure जो दी solution रह कम अच्छी तो freezing point तभी कौन हो solution रह ही कम आसियो solvent हो हैला से point तम लेकुछ as vapor pressure of solution is less than its pure solvent less than pure solvent therefore the freezing point of a solution is always less than that of a pure solvent freezing point of solution is always less than its pure solvent hala point kari lekhyo eta ko first point second point third point hala na eta to dekhila ame next ako ame graph re bujhiya hala graph re kemti bujhiya na dekho suppose mu kon korche na y axis re vapor pressure nuchi x axis re temperature nuchi हला हले आम को तीन टा जिनस स्टडी करियार अच्छे गोटे हूँ कौन वेपर प्रेसर अफ सॉलिड रो ग्राफ वेपर प्रेसर अफ सॉल्वेंट रो ग्राफ आ वेपर प्रेसर अफ सॉल्यूशन रो ग्राफ जोटी वेपर प्रेसर अफ सॉल्वेंट रो ग्राफ जाकि वेपर प्रेसर अफ सॉलिड रो ग्राफ रे मिसिब से फ्रीजिंग पॉइंट अफ सॉल्वेंट जोटी सॉल्यूशन रो वेपर प्रेसर कर्व जाकि सॉलिड रो वेपर प्रेशर सहित मिसिब सेटा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट अफ कौन सॉल्यूशन तो देख वेपर प्रेशर अफ सॉलिड कथा जदि कह बहुत कम थी ना नहीं निशली बहुत कम थी है तुम्हें जमी टेम्परेचर इनक्रीज कर वेपर प्रेशरटा बहुत स्लोली इनक्रीज हे गोटे पॉइंट आसब जो कौन हम सडन इनक्रीज पलिस है गोटे पॉइंट आसब जो कौन हम वैल्यूटा सडन इनक्रीज आसो है देख जमीक सपोज गोटे सॉलिड रो वेपर प्रेशर इनिशियली किसी गोटे थी माने बहुत कम अच्छे देख पार है जो आम टेम्परेचर इनक्रीज करवा धीरे 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 इनक्रीज हे ये है धीरे धीरे इनक्रीज है गोटे पॉइंट आसब जो कौन हम सडन इनक्रीज अब्जर्व हम तुम दीला बुझला सॉल्वेंट रो जदि आम वेपर प्रेशर ग्राफ सी ऑलरेडी हाई रे थिबो सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर आठू हाई रे थिबो सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशरटा कहीं ये सॉलिड रे अच्छे से लिक्विड रे अच्छे बस आर वेपर प्रेशर रो ग्राफ रो कर्व एंदी आसियो हला कौन हला ये ना टेम्परेचर इनक्रीज होचे वेपर प्रेशर भी कौन होचे इनक्रीज होचे हला सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशरटा आठू कम आसियो काडो सॉल्वेंट टू कम आसियो त माने एंदी आसियो हला अच्छा त
तो ये कापाई ये हूँ सॉलिड पे ये हूँ सॉल्वेंट पे ये है सॉल्यूशन पे हैला उड़ मार्क उठे दिलो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जोड़ी मिसला से हूँ कौन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड जो मिसुची कर्व सी हूँ कौन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो आम पढ़ले कौन ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट रो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इट्स प्योर सॉल्वेंट ओके देखो हाँ तो टेम्परेचर एटा है कौन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये कौन लिखे आम ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट से लिखा है ना प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट कौन अच्छे मोर अच्छे सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट कौन अच्छे लेस अच्छे बुझिपाल तो ये ग्राफ्रे आम बुझे अच्छा जदि आम एक्सपेरिमेंट करा तो एक्सपेरिमेंट रू आम जापर जे कौन ना फ्रीजिंग पॉइंट ओके तो आम गोटे पॉइंट ये लिखा कौन ना वेपर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट डेल्टा टी एफ ए जो टेम्परेचर डिफरेंस टाक आम कौन कह डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी मोलालिटी है डेल्टा टी एफ कौन हियर डेल्टा टी एफ इज कौन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हला तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टेटमेंट आम कौन लिखिपर द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इन कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हला कौन लिखिया द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इन कंपेयर टू इट्स प्योर सॉल्वेंट is known as what depression in freezing point in freezing point hala kon kahus taku depression in freezing point boli kahus to abe kon padhle ame first padhle वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन रो कम रोचे क्या सॉल्वेंट टू हाँ केते कम रोचे से आम कौन कौन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आउ कौन पढ़ले ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी दैट इज ऑब्जर्व फ्रॉम एक्सपेरिमेंट हला नेक्स्ट मूव करिया मेन एम आम कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ियार मेन एम कौन कही इनिशियली मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट करिया हला एटा होची मेन एप्लीकेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो मेन एप्लीकेशन होची कोन गोटे अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रो मोलार मास आमे कैलकुलेट करि परिया हला तां पढ़ले कोन ना डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आमे लिखि परिया कोन डेल्टा टी एफ टा मोर की अछि
टी नॉट एफ माइनस टी एफ व्वेर टी एफ टी नॉट एफ कौन ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हैला टी एफ कौन ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हैला एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन एटा कौट जानला आम फ्रम एक्सपेरिमेंट हैला सो डेल्टा टी एफ जदि मु प्रोपोर्शनालिटी उठेबी तो गोटे कन्स्टांट आसला के एफ जेन से आसला के बी इंटू मोलालिटी मोलालिटी को आम स्मल एम रिप्रेजेंट कर के एफ कौन हियर के एफ इज नोन एज कौन कहे ना मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट कौन कहे मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट और देख पिले तुम जाच कि नहीं मुझे जाननी आमर जो मेडिकल रे हला कोल्ड कंडीशन रे किसी गोटे वर्क हला बा सर्जन हो सौटा कौन कह क्रायो सर्जन बोली कह हला क्रायोर मीनिंग गोटे कोल्ड कंडीशन रे फ्रीजिंग कंडीशन रे किसी गोटे वर्क कराटा कौन कह क्रायो सर्जन बोली कह तो सही आमर वर्डटा आठ कौन क्रायोस्कोपी कौन कह क्रायोस्कोपी तेणु आपको कौन कह क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोली भी कह क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आर पूर्वटा कौन कहला कौन कहला पूर्वटा ना इब्युलोस्कोपिक कांस्टेंट कहला तो कौन कह मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट बा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोली कह आर वैल्यू का उपरे डिपेंड करछि जेमिति तार वैल्यू डिपेंड करथला केवल का उपरे नेचर ऑफ सॉल्वेंट उपरे डिपेंड करथला सिमिलरली आर वैल्यू भी डिपेंड करछि केवल का उपरे नेचर ऑफ सॉल्वेंट उपरे डिपेंड करछि हला इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट बा नेचर ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड रो नेचर ऊपर डिपेंड करछि कार वैल्यू के एफ रो वैल्यूटा डिपेंड करियो केवल लिक्विड ऊपर आउ का ऊपर डिपेंड करिया नै हला जेमिति ता पई गोटे फार्मूला थिला मोडा पछरे लेखि थांदि बट ए लेखि दोछि हला कोन फार्मूला थिला ना के बी इज इक्वल टू कोन थिला के बी इज इक्वल कोन थिला आर टी आर इनटू टी बाय इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा हेच सेठी थिला कौन वेपराइजेशन थिला एठी आसीबो कौन फ्यूजन हला एम आर टी आसीबो सॉरी बाय 1000 एम आर टी डिवाइडेड बाय डेल्टा हेच फ्यूजन मल्टीप्लाइड बाय 1000 एटा 1000 कम मल्टीप्लाई करा पड़े ना एमएटा होती कौन मोलार मसटा तो मोलार मसटा नर्माली ग्राम रे था हला बट आम ये के जी दरकार तेणु मुझे 1000 अलरेडी डिवाइड करदे तो ये कौटा कौन ना के एफ तो है कौन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एम ए कौन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए कौन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट फॉर्मूला कौट आ फॉर्मूला थर्मोडायनामिक्स रु डिराइव होला दरकार नहीं तुमको आर हूँ कौन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू के 8.314 जूल पर मोल हैला डेल्टा हेच फ्यूजन कौन टेम्परेचर एटा जान टेम्परेचर
इन केल्विन हला डेल्टा एच फ्यूजन कौन डेल्टा एच फ्यूजन मोलल एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हला मोलल एंथैल्पी मोलर मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हला वन मोल रो सॉलिड सब्सटेंस को फ्यूज करिया पई बस सॉलिड सब्सटेंस को फ्यूज करले जो अमाउंट रो एंथैल्पी चेंज आसुचे ताको कहउचे मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोली कहउचे ठीक अछे। तो नेक्स्ट प्रोसीड करिया ए फार्मूला को नेगे हम आगु प्रोसीड करिया कैलकुलेट करिया कोनो जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड रो मॉलिक्युलर मास कैलकुलेट करिया एपड कर दउछ तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी रो फॉर्मूला कौन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन ना सॉल्वेंट रे वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना तो ये होचे हमरो मेन फार्मूला हम कैलकुलेट करो कौन कौन करियार अछि ना मॉलिक्युलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट करियार अछि तमे ए फार्मूला ही मन रखियो है ना एम सॉल्यूट इज इक्वल टू कौन आसे फार्मूला के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट को हम कौन लिखुचंदी बी बोली लिखुचंदी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय ये सपोर्ट आसला डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट माने बी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए ठीक अच्छे। बस एटा हूँ कौन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आम कमी बाहर करिया ठीक अच्छे ना बिले जस्ट कौन है ये ठीक आसला ये आ जगह गला सरला तो आज कौन पढ़ले आम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ले कौन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन कंपेयर्ड टू प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनालिटी उठली बोली गोटे कन्स्टेंट आसला कौन के एफ के एफ वैल्यू क्या डिपेंड कर नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करछि केएफ को कोन कहौछि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहौछि बा क्रायोस्कोपी कांस्टेंट बोली कहौछि हला तार वैल्यू जदि हमें बाहर करिया तो एटा गोटे फार्मूला अछि हला जोडा थर्मोडायनामिक रु डिराइव हिछि एटा एनसीईआरटी रे देछि बट आकु नै कि न्यूमेरिकल केबे आसुनी बुझि पेलो। नेक्स्ट आमे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रो मॉलिक्युलर मास केम बाहर करिया बाहर करले हला आ गोटे जोडा कि आसुछि एग्जाम रे से पचार जोछि डिफाइन मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन करिया पे पचार्स सिंपल देख सपोज मोलालिटी वन होगा मोलालिटी वन हो गले के एफ टा क्या सहित इक्वाल हो डेल्टा टी एफ सहित इक्वाल हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सहित इक्वाल हो ना नहीं तो मुझे लिखिपारि व्वेन मोलालिटी इक्वल टू वन देन डेल्टा टी एफ become equal to kf that means delta tf is nothing but depression in freezing point delta tf ta bhi gote kono depression in freezing point hi but kono na gote particular condition re ko condition re na jetala molality 1 thibo jetala molality 1 thibo da bhi eda to epad poli asila to eda rahibo ni hala bujhila na to rahila kono kebala डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना तुम्हें निजे जाच किसी असुविधा नहीं फॉर्मूला अप्लाई हो हाँ तो कौन कहती डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ है मुझ स्टेटमेंट कौन लिखिपारि ना मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट कैन बी डिफाइन एज है मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट
can be defined as the decrease in freezing point, the decrease in freezing point when the molality of solution is 1, एमती न लिखिकी आम एम लिखिपर मोलालीटी वन के हम व्वेन वन मोल सल्यूट इज प्रेजेंट इन वन के जी सल्फेट ना नहीं सैटा लिखिया है द डिक्रीज इन फ्रिजिंग पॉइंट व्वेन वन मोल सल्यूट इज डिजल्वड इन 1 kg solvent. बुझला एतिकी थिला हमरो आजिरो टॉपिक आकु बेस करिगी गोड जेडा न्यूमेरिकल करिया ओके फर्स्ट न्यूमेरिकल कौन कौन से एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक compound containing 0.6 gram of it dissolved in 21.7 gram of water हेला कौन कौन से ना 0.6 gram रो गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी जी की डिजल्व है केते ग्राम वाटर रे 21.7 gram वाटर रे डिजल्व है अच्छी हेला कौन सी कौन फ्रिजेस एट 272.187 केल्विन एतिकी टेम्परेचर से फ्रीज होची बोली कहला इफ द वैल्यू ऑफ केएफ इज गिवन देला कौन गिवन देला केएफ इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स हला कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड टा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो बोली कहला हला आमे जानी कौन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिया पे फॉर्मूला होचे एटा कौन ना डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी बा मोलालिटी जगह मुझे लिखिपारि कौन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय कौन वेट ऑफ सॉल्वेंट हला एति हम दरकार हले फर्स्ट केएफ वैल्यू तो हमें गिवेन दे दी टेंशन नहीं वेट ऑफ सॉल्यूट गिवेन दे दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हम बाहर करियार अच्छे हला वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवेन दे दी हला बाकी हमें एटा जानना है जदि एटा जानदा मैंने सबूत कैलकुलेट करदा
एम बी कैलकुलेट करदे ना नहीं तो यहाँ केमी बाहर करिया ना डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कौन कार अधिक अच्छे सल्यूसन अधिक अच्छे ना सल्वेन्ट्र अधिक अच्छे सल्वेन्ट्र अधिक अच्छे फ्रिजिंग पॉइंट नॉट माइनस टी एफ है सल्यूसन फ्रिजिंग पॉइंट से देदेजी आम सल्यूसन फ्रिजिंग पॉइंट क्या 272.187 कौन कौन एन एक्वा सल्यूसन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 0.6 ग्राम डिजॉल्व इन 21.7 ग्राम ऑफ वाटर फ्रिजेस एट 272.187 केल्विन माने एटा फ्रिजिंग पॉइंट सल्यूसन फ्रिजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट किए कि वाटर ना वाटर फ्रिजिंग पॉइंट आम जानते ना नहीं कह के 0 डिग्री तो दबा दरकार नहीं है तो आम जानते वी नो फ्रिजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रिजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज डेल्टा एफ नॉट ना नहीं दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन रे केते हबो 273 केल्विन पळे आसला हला हले आकु मय पढ़ लिखु छे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ तो टी एफ हूँ के गिवेन दे टी एफ हूँ 272 है टी नॉट एफ माइनस टी एफ के 272.187 है माइनस कले के 0.187 हला तो डेल्टा टी एफ पड़े सब आम पड़े तो आंसर भी पड़े आसो है पुट कर दियो डायरेक्ट कौन ना एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय एम बी एपट पड़े डेल्टा टी एफ एपट आसला डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए इज इक्वल टू तले पुट कर देख के एफ क्या 1.86 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आसा डब्ल्यू बी क्या दे वेट ऑफ सॉल्यूट 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ क्या 0.187 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू के 21.7 ठीक अच्छे एति के देख ये कत पॉइंट अच्छे दुटा पॉइंट अच्छे ये फ्रिजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस कही हाँ 273 0 प्लस 273 के 273 है ना 273 पक 2 पक कौन से डायरेक्ट हला 273 हाँ हला तो 1.86 देखो ये दुटा पॉइंट अच्छे ये कैसे पॉइंट अच्छे तीन टा पॉइंट अच्छे फ्रिजिंग पॉइंटा 272 दीजिए फ्रिजिंग पॉइंटा टिके टिके मुझे देखुच मुझे भूल पके दे थी मैं भी क्वेश्चन रे से कौन दीजिए मुझे देखुच अच्छा से 272 देची नहीं कि हला ठीक अच्छे एटा 272 गिवेन देची एटा हमरो 273 तो एटा आसो 1.0.813 आसुछि हाँ 0.813 हला ठीक ठीक तो ये पुट कर दे 0.813 है आपको कैलकुलेट कर कैलकुलेट कले आंसर आसो है के आसो आंसर 63.26 ग्राम कैलकुलेट कर देख ला आसा
देखो पे नेक्स्ट आउ दुटा क्वेश्चन करिया कौन से कौच क्वेश्चन रे 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर 600 ग्राम वाटर रे 45 ग्राम रो इथिलीन ग्लाइकोल मिक्स हो रही कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूशन रो फ्रीजिंग पॉइंट बाहर करने कहला से है हेले आम जानते कौन ना डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एस TS लिखिया दरकार नहीं बस है यहाँ आम जानते ये हूँ कौन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये है कौन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये है कौन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये आम जानते हैं आम बाहर करार अच्छे यहाँ अलरेडी आम जानते कैसे 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन है वी नो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये किसी कौन अच्छी वाटर ही अच्छी ना 600 ग्राम वाटर देचे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस बा 273 केल्विन एडा हमें जान चंदे बस एबे जदी हमरो डेल्टा टीएफ पळि आसी त माने एडा हमर आंसर पळि आसी हला डेल्टा टीएफ रो फार्मूला कोन को केएफ इनटू मोलालिटी मोलालिटी रो फार्मूला कोन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट एटा हूँ फॉर्मूला है कौन गिवेन दे क्वेश्चन रे वेट ऑफ सॉल्यूट गिवेन दे दी वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवेन दे दी वेट ऑफ सॉल्यूट के 45 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट हम बाहर करिया निजे इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 C2 माने के 24 प्लस 6 प्लस 32 के 62 ग्राम आस के बड़े 62 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट के 600 ग्राम देचे है बस सरला आंसर है केएफ रो वैल्यू गिवन दे 1.86 केल्विन केजे मोल इनवर्स वैल्यू पुट करो आंसर करो डेल्टा टी एफ हमें बाहर करिया दैट इज इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट कहते 45 बाय मॉलिक्युलर मास 62 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 600 है ना अड़ा जदि कैलकुलेट करिबा ताहले थ्री रे कैंसल करो थ्री वन जा थ्री फाइव जा थ्री टू जा जीरो 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 कैंसल हला ये 62 थ्री जा हूँ रे 62 थ्री जा ना नहीं 186 62 थ्री जा हला 186 0.03 आसो हला हेल्ले 0.03 रहा तले आ कि रहा कि तले आ गोटे 2 डे रही पाँच रे कैंसल करिया हाँ कैंसल कर पाँच रे कैंसल करदे हला ये के आसला 225 इंटू 3 225 इंटू 0.03 इज इक्वल टू के आस 6.7675 ओके देखो बिल एटा टी भूल 15 पक दि हला 75 तो यहाँ आस 2.25 हला केल्विन जहाँ भी यूनिट डिफरेंस टाइम किसी दरकार ना नेक्स्ट एडी आनी पुट कर दा ये लगे दे 2.25 ये लगे दे 273 माइनस टी एफ तो ये एपट आसव ये आस माइनस हम टी एफ इज इक्वल टू 273 माइनस 2.25 के आस 270.75 ठीक
270.75 केल्विन हला दिस इज द आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा समस्ते नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन मोलाल एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एट 273 केल्विन इज 6.0246 माने डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल टू के 6.0246 किलो जूल पर मोल हैला किलो जूल को जूल रे कन्वर्ट कर दियो बाय मल्टीप्लाइंग 1000 मल्टीप्लाई करके 6024.6 जूल पर मोल कम है मु जूल रे कन्वर्ट करली ना मत आर रो वैल्यू जूल रे पुट करियर अछि हैला तनो एटा किलो जूल रे न रखी जूल रे कन्वर्ट करियो सब बेला फार्मूला कोन हमरो ना के एफ इज इक्वल टू एम आर टी नॉट एफ र स्क्वायर एम आर टी नॉट एफ र स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच फ्यूजन मल्टीप्लाइड बाय 1000 हला हेले मॉलिक्यूलर मास का रेट वाटर रा मॉलिक्यूलर मास पके के थे 18 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी नॉट एफ के थे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डेल्टा टी नॉट एफ कौन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के थे 273 रा कौन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच फ्यूजन के थे 6024.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 हैला एटा कैलकुलेट करियो माने आसी 1.86 पाखा के आसी हैला 1.86 आज एती प्रॉब्लम हमें करथेवा नेक्स्ट पीरियड रे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर करिया जोडाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो लास्ट हैला थैंक यू